अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नूरपुर ने नूरपुर आर्य कॉलेज में कुछ समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एबीवीपी के नगर अध्यक्ष रवि मेहरा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान रवि मेहरा, मानसी मनोहर सिंह, नेहा शर्मा और पलक ने बताया कि कॉलेज कैंपस में मैदान की दशा बहुत ही खराब है, इसे जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। कॉलेज में एनसीसी जल्द से जल्द शुरू की जाए। नूरपुर के चौगान में जनजाति भवन को जल्द से जल्द छात्रों के लिए खाली किया जाए ताकि बच्चे जनजाति भवन में रह सकें। वहीं कॉलेज को पीजी कॉलेज का दर्जा भी दिया जाए। एबीवीपी नगर अध्यक्ष रवि मेहरा ने कहा कि इस बारे कॉलेज की प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 15 दिन का समय मांगा जाएगा। अगर 15 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो नूरपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो स्थानीय विधायक के पास मांगों को लेकर जाया जाएगा और इसके बाद भी अगर एबीवीपी की मांगों को नहीं माना गया तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो पीजी का मैक्सिमम किराया 4-5 हज़ार मैक्सिमम देते हैं। हमारे पास कई ऐसी कंप्लेंट आई हैं बच्चों की जो हमें रोज ऐसे बोलते हैं कि भैया हमारा जो कॉलेज का जो हॉस्टल है वो जल्द से जल्द हमें प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम एक कॉलेज की मांग उठाते हैं कि हमारे कॉलेज का जो हॉस्टल है वो जल्द से जल्द खाली किया जाए और जहाँ पे जो मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं चंबा क्षेत्र के हो गए या अदर आदि क्षेत्र के बच्चे हो गए वहाँ पे रह सके, उनको रहने का ठिकाना मिल सके। और हमारी तीसरी मांग हमारे कॉलेज में एनसीसी को लेकर है कि हमारे कॉलेज में एनसीसी की मांग जल्द से जल्द पूरा हो। हमारे कॉलेज में एनसीसी का पूरा जहाँ पे लगे और एनसीसी जो हमारे आर्मी जो लोग बच्चे हमारे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ा जाए। और चौथी मांग हमारी कॉलेज की ग्राउंड की है क्योंकि ग्राउंड की समस्या 2014 से चल रही है। 2019 लपड़ा कि हमारे कॉलेज की अभी तक कॉलेज की ग्राउंड की स्थिति ठीक नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज की ग्राउंड की स्थिति ठीक हो जाए। और पांचवी मांग हमारी जो हमारे स्टाफ को लेकर है, स्टाफ के जहाँ पे मैक्सिमम हिस्ट्री का टीचर हमारे कॉलेज में प्रोवाइड हो चुका है बट वो 3 दिन हमारे कॉलेज में और 3 दिन सुपडोली कॉलेज में ही रहते हैं और 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार हमारे कॉलेज में रहते हैं और वीरवार शुक्रवार शनिवार। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से भी कॉलेज स्टाफ से भी कि हमारे अगर 3 दिन हमारे नूरपुर कॉलेज के जो पढ़ाई यहाँ पे होती है मैक्सिमम 3 दिन बच्चे कहाँ जाएंगे कि 3 दिन अगर पूरा मैक्सिमम हम चाहते प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे कॉलेज में स्टाफ हो जल्द से जल्द पूरा हो। अगर हमारी मांगे सबसे पहले हमारा जो ज्ञापन हुआ प्रिंसिपल महोदय जी के पास होगा, 15 दिन का हम टाइम मांगेंगे प्रिंसिपल मैडम जी के, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो माननीय एसडीएम महोदय जी के पास जाएंगे, उनसे भी हम 15 दिन का टाइम मांगेंगे। अगर 15 दिन का अगर हमारा टाइम हमें पूरा नहीं होता तो स्थानीय विधायक जी हैं हमारे उनके पास जाएंगे। अगर फिर भी हमारी प्रदेश सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनते तो प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा विद्यार्थी परिषद या अपनी मांगों को पूरा करके ही छोड़ेंगे। धन्यवाद। करनी पड़ेगी एमए के लिए कहीं और जाना पड़ेगा धर्मशाला साइड, इसलिए हमें एमए की फैसिलिटी वगैरह भी यहाँ पर दी जाए। जैसे कि हमें पता है कि हॉस्टल हमें प्रोवाइड किया गया है लेकिन हम इतनी दूर से आते हैं और हमें रूम लेकर रहना पड़ा जाता है, इसमें हमें 3,000 रुपये मतलब कि पे देना पड़ रहा है, इसलिए हम सोच अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए। तो ऐसे तो प्रोवाइड किया गया है हमें और उसको फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें रूम लेकर रहना पड़ रहा है। तो हम अपने प्रधानाचार्य जी से विधायक जी के जी से अनुरोध करते हैं कि हमें हॉस्टल का प्रोवाइड किया जाए और ग्राउंड की सुविधा भी दी जाए। मैं चंपा का रहने वाला हूँ बट दुख की बात यह है कि नूरपुर कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी है पर बट वहाँ पे हम रह नहीं पा रहे हैं। सरकार ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है जहाँ पर हम रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कीमत पर रूम मिला है जिसकी कीमत 3 या 3,500 तक है, इसलिए मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें हॉस्टल की फैसिलिटी जल्द से जल्द मिले। हमारे कॉलेज में काफ़ी बच्चे बाहर से आते हैं जिन्हें मतलब हम रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हमारे कॉलेज में हॉस्टल है प्रोवाइड है बट वहाँ पे रहने के लिए जगह वहाँ पे किसी और केंद्र के लिए दे दिया हुआ है सरकार ने वो, तो हम चाहते हैं कि वो हमें मिले क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो पीजी लेकर रह रहे हैं जिसकी कॉस्ट वो खुद उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही पर तब भी वो कर रहे हैं सभी क्योंकि उन्हें रहना है वहाँ पे, यहाँ पे पढ़ना है उन्हें, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमें अपना कॉलेज का हॉस्टल हमें मिल जाए। और हमारे कॉलेज के ग्राउंड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बच्चे कई बार गिर जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी बच्चों को चोट तक आती है, तो इससे अच्छा कि ग्राउंड की हालत ठीक हो जाए थोड़ी सी, पूरा ग्राउंड पूरा मिट्टी जब अगर बारिश हो जाए तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्लिप करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आती हैं, तो इससे अच्छा कि कॉलेज में बैठने की जगह भी नहीं है और अगर ग्राउंड अच्छा हो जाए हमारा तो फिर कॉलेज की काफ़ी स्थिति सुधर जाएगी। मेरा नाम पलक है और मैं यहाँ पे बीकॉम की स्टूडेंट हूँ।
सो अगर हमें नेक्स्ट करना हो, एम कॉम करनी है या जो भी नेक्स्ट हायर स्टडीज़ करनी है, तो हमें धर्मशाला या कहीं और चंडीगढ़ कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो अगर हमारा कॉलेज पीजी कॉलेज हो, तो हमें कहीं और एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम पास से ही अपने ही इसी कॉलेज में सारी बी कॉम या जो भी आगे हायर स्टडीज़ करने कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। और भी बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि एक ग्राउंड नहीं है, एनसीसी डिपार्टमेंट जो भी है कुछ भी नहीं है। एक हमारा हॉस्टल है, लेकिन फिर भी वो प्रोवाइड मतलब उसको किसी और चीज़ के लिए मतलब उसको दे दिया गया है जो भी है, तो कुछ भी नहीं है। सो हमने इसके लिए बहुत स्ट्राइक्स भी करी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें और हम स्पेशली हमारे कॉलेज को मतलब पीजी का दर्जा दिया जाए।